हे गाइस, वेलकम बैक टू पहाड़ी ब्रदर्स व्लॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट की। ये है पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इसका मैं नाम बताऊं तो आहूजा BTA660M। और ये मैंने कहां से कितने रुपए का परचेज किया है और ऑनलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी डिटेल मैं आगे वीडियो में दूंगा। और इसका हम टेस्ट भी करने वाले हैं, इसकी आवाज, साउंड क्वालिटी, इसकी रिकॉर्डिंग, इसमें माइक कैसे चलने वाले हैं, और अगर आपको वायर माइक लगाने हैं तो सारे फीचर, सारे फंक्शंस की मैं बात करूंगा डिटेल में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइज, ये देख सकते हो आप, जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करी तो कुछ आपको इस तरह से ये दिखने वाला है। सबसे पहले तो हमें कुछ इसके मैनुअल अप है, मैनुअल ओरिएंटेशन ऑपरेशन है, तो इसको हम बाद में रीड कर लेंगे। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसमें मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, ऊपर देख सकते हो आप, कोड वायर मिली है, और इसकी जो वायर है ना, प्लग कोड वायर, काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। देखो, बहुत ही ज्यादा मोटी लेंथ है। अगर मैं MM की बताऊं तो इसमें लिखा है कि 1100 volts, MM इसमें मेंशन नहीं है, बट मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग ये 12-15 mm के आसपास की लग रही है मुझे, अच्छी मोटी वायर, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको और ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक ये कोड वायर मिली है जो हमारे कंप्यूटर में लगती है ना, देखो सेम उसी टाइप की है, काफी अच्छी हैवी है। तो रिमोट आप देख सकते हो, काफी छोटा सा है और हल्का सा, छोटा सा सेल भी लगेगा, तो ठीक है, ये भी यूज के लिए है। तो गाइस, मैं इसकी अब यहाँ से लिफाफा हटा देता हूँ। वैसे इसका वेट बहुत ही ज्यादा है, एक बार थोड़ा पीछे से दिखाना इसका वेट। देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना कि कितना वेट है भाई, कम से कम अगर मैं बताऊं कि कैटरबेल जो हम उठाते हैं ना जिम में, तो कम से कम ये 12-15 किलो के आसपास है। इसीलिए इसके लिए यहाँ पर ये ट्रॉली दी हुई है। और अगर मैं नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो टायर है, व्हील है, जिसको आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। ये चीज इसमें बहुत अच्छी है, ठीक है। ये तो हो गया एक्सटर्नल फीचर, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, अब मैं इसके पीछे कंसोल की बात करता हूँ। आप पीछे देख सकते हो इसमें बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले तो ये एंटीनाज हैं। ये किस लिए हैं? ये रेडियो वगैरह के लिए होंगे, तो कि एंटीना। सेकंड चीज़ आ गई इसमें, माइक 1 माइक 2। अब ये जो है ये ऑक्स वाले का है, ठीक है। जो आप माइक यहाँ पर प्लग करेंगे ना, माइक 1 एंड माइक 2, अगर आप वायर्ड वाला लेते हैं माइक, तो यहाँ पर प्लग करेंगे और प्रायोरिटी यहाँ पर देख सकते हो, इसको ऑन ऑफ, ठीक है। माइक यहाँ से यूज़ हो जाएंगे वायर्ड वाले। और इसके साथ भी दो माइक मिले हैं। अब माइक की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ निकालने कहाँ से है। वो यहाँ से, ये देखो, इसमें दो माइक मिले हैं। और ये माइक जो हैं, ये हैं ब्लूटूथ वाले, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। इनको मैं वापस रख देता हूँ कि माइक कैसे हैं, इनको टेस्ट बाद में करेंगे। और फिर अगर हम आगे आएँ तो यहाँ से हम इको, ठीक है, कितनी हमें इको चाहिए, जो साउंड हम चाहते हैं ना, थोड़ा गूंज गूंज के आती है अनाउंसमेंट वगैरह या कुछ भजन कीर्तन कर रहे हो, तो उस टाइप की ये इको यहाँ से मॉनिटर होगी, ठीक है। ऑन ऑफ, अभी ऑन है, ऑफ बाहर को आ गया तो ऑफ, अगर ऑफ कर दोगे तो कोई भी ये यूज़ में नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पे बेस, ट्रबल, मास्टर। मास्टर मीन्स ओवरऑल, अगर सब कुछ मैनेज करना हो आपने और ब्लूटूथ माइक को मैनेज करना है ना, तो यहाँ से आप वॉल्यूम कम एंड ज़्यादा कर सकते हो, मैक्सिमम 10 तक है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। थोड़ा नीचे आते हैं तो माइक ए और माइक बी, ये जो वायरलेस माइक है ये उनके लिए है। यहाँ से ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, लाइट जल जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। अभी मैं वो भी ऑन करके दिखाता हूँ। और थोड़ा नीचे आएंगे तो मैंने पहले ही बता दिया था, वायर माइक 1 और माइक 2 के लिए प्री आउट है, यानी कि अगर सेम स्पीकर आपको लगाना हो, दो स्पीकर लगाने हो सेम, तो यहाँ से यहाँ पे इसकी जैक है और उस जैक को उसमें इनपुट कर दो और दोनों में साउंड एक साथ यूज़ हो जाएगी। दूसरा, ये रहा ऑन ऑफ का, ऑन ऑफ का ये जो है, ये क्या चीज़ है, ये DC इनपुट है कुछ, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। दूसरी चीज़ है इसका ये, अब यहाँ से मैं इसको ऑन कर दिया, ये देखो, ये देख सकते हो आप, ऑन हो गया यहाँ से, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर हमें प्लग लगाना हो तो यहाँ पर चार्जिंग प्लग लगा सकते हैं, तो ये ऑन हो गया है। अब मैं इसको आगे बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बंद होता है, ठीक है, ऐसे मैंने ऑन किया, ये लाइट जल गई। अब क्या है कि मेरे पास रिमोट भी है इसका, तो जैसे ऑन दिखा रहा है ना ये, तो मैं अगर यहाँ से बंद करता हूँ तो ये बंद हो गया, लेकिन पावर इसका ऑन है, है ना। अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर भी कुछ लाइट आ चुकी है ग्रीन सी, और ये ऐसा ऑन हो चुका है। अब मेरा माइक देखो कि जो माइक है वो कनेक्ट कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ये है चैनल 2, ठीक है। अब देखो, आवाज़ नहीं आएगी, हेलो हेलो नहीं आ रही आवाज़। उसके लिए क्या करना है कि माइक के लिए ये दे रखे है ना A एंड B, मेरे पास B वाला माइक है, मैंने इसको ऑन किया
तो ये देखो ये ऑन हो चुका है, मैं बोलता हूँ हेलो हेलो हेलो, तो सुन सकते हो आप मेरी आवाज अब जो इसमें आ रही होगी, ठीक है। अब देखना मैं इससे ऑपरेट करता हूँ, माइक डी से पूरा जीरो कर दिया है गाइस, अब मेरी आवाज जो आ रही है वो माइक इससे आ रही है, ठीक है। अब देखना हेलो बढ़ गई ना, मैंने एक ट्यून में बोला और ये साउंड बढ़ गई, इको कर रही है। इको बंद कर देते हैं, यहां से मैंने क्लिक किया, पूरी बंद कर दी, पूरी बंद कर दी, है ना। अब देखना हेलो हेलो पूरी ऑन कर दी, तो ये इको ऑन हो चुका है, ठीक है। इको बंद कर देता हूँ, इको बंद कर दिया, यहां से थोड़ी वॉल्यूम अपनी कम कर देता हूँ। और अगर आपको पूरा ही बंद कर रहा हो ना, पूरा कट मतलब कंसोल को ही संभाल रहा हो, तो एकदम से इसको प्रेस कर दो। तो गाइज अब ना इसका एक बार साउंड टेस्ट कर लेते हैं, मैं एक बार YouTube से कोई गाना प्ले करता हूँ और साथ में माइक भी बोलूंगा, तो किसकी आवाज कैसे एडजस्ट करनी है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया और अब ऑन करता हूँ कोई रैप, आवाज मैंने बहुत कम रखी है। अब लगती है छोटी, किसी को क्या बोलूं, खुद मेरा खुद बचा मैं, किसी से क्या बात करूं। और मैंने इसकी बेस की वैल्यू बहुत बेस की वैल्यू और थोड़ा बेस भी बढ़ा दिया, ठीक है। हेलो 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 हेलो, अभी आवाज बहुत ज्यादा तेज है गाने से, गाना स्लो है, ठीक है। अभी गाने की वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ मैं, हेलो हेलो, और अपनी थोड़ी कम कर देता हूँ। अब देखो आप बीच में मेरी आवाज मिक्स हो रही होगी गाने की, आवाज मेरी मिक्स हो रही है गाने की, ठीक है ठीक है ठीक है। ये रैप थोड़ी बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है इसमें, जो अगर मैं यहाँ से और भी ज्यादा माइक अगर लगाना चाहूँ तो और भी माइक लगा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मेरा एक ही माइक ऑन है, दूसरा भी ऑन करूंगा तो दोनों से इक्वल सेम आवाज आए, तो उसके लिए मुझे दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को बराबर नंबर्स पे रखूंगा तभी सेम आवाज आएगी, अगर एक ज्यादा होगी तो वो दूसरी को दबा देगा, हल्का सा दबा देगा, ठीक है, ज्यादा नहीं दबाएगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इसके रिकॉर्डिंग के बारे में, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग का ये वाला बटन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप पेनड्राइव लगा सकते हो या माइक्रो एसडी कार्ड। पेनड्राइव में शायद रिकॉर्डिंग नहीं होती है, मैंने ट्राई किया था दूसरे वाले स्पीकर में, उसमें तो नहीं हो रही थी। इन्होंने भी काफ़ी डाउटफुल बोला, बोला आप एसडी कार्ड लगा के चेक कर लो, और रिकॉर्डिंग वाले बटन से अगर हो जाती है तो ठीक है, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। बाकी ये वाला जो है ये रिप्ले वाला है, अगर आप पेनड्राइव लगाते हो तो गाना रिप्ले होता रहेगा, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से भी होती रहेगी गाने वाने की। तो गाइज अब मैं इसकी माइक की भी एक बार क्लैरिटी सुना देता हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने यहाँ से माइक ऑन करता हूँ, ये देखो माइक मैंने ऑन कर दिया है। हेलो 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 हेलो, तो आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है, देखो मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ गाइज, अभी बहुत ज़्यादा धीरे। जितना माइक को आप पास लेके जाओगे ना आवाज़ करेगा, देखो अब मैं इसे पास लेके जाऊंगा ना आवाज़ करेगा ये, तो माइक को थोड़ा सा दूर ही रखना इससे हमेशा, ठीक है। वॉल्यूम मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 2 पे कर दिया मैंने अभी ये। हेलो हेलो अब ठीक आ रही है, थोड़ा सा इको कर देते हैं, इको बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। 4 पे कर दिया, तो गाइज देखो मैंने 4 पे कर दिया है, और अब मैं बोल बहुत ज़्यादा धीरे रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रही होगी आवाज़ देख कर, देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी से आ रही है। पार्टी वार्टी करनी है तो ये बहुत ही बढ़िया स्पीकर होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है अभी तक का जबरदस्त। और वैसे भी अहूजा यार काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो गाइज मैं ना एक बार इसकी आपको बेस चेक करवा देता हूँ कि अगर मैं बेस फुल पे रखता हूँ तो कैसा साउंड आता है, ठीक है। वैसे तो आपका जो मोबाइल का स्पीकर है ना, आउटपुट तो उसी ने देना है। एक आप बस मोटा मोटा एग्जाम्पल देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हाई क्वालिटी में इसका बेस दूँ और आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर साउंड मिलेगी। तो बस मैं यही बता रहा हूँ कि अब मैं आपको साउंड टेस्ट तो करवा रहा हूँ, लेकिन आप इससे 100% श्योर मत हो जाना कि इसकी कम आ रही है बेस या साउंड इसकी कम आ रही है। साउंड तो बहुत ज़बरदस्त है यार, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर 200-300 लोगों के आगे बजाओगे ना तो पक्का ये वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि दब जाएगा और अकेले में सुन रहे हो तो बहुत ज़्यादा 200 लोगों के सामने कम हो जाएगा, नहीं 200 लोगों के सामने ये आराम से वर्क कर जाएगा। तो मैं चलो एक बार साउंड सुनाता हूँ, फुल वॉल्यूम में नहीं बेस फुल रखूंगा, ठीक है। NCS सॉन्ग है तो साउंड उसी हिसाब से होगी इसकी। ये लो मैंने ऑन कर दिया है सॉन्ग, अभी रुक जाओ, ठीक है आपको साउंड आ रही होगी। मैं थोड़ा सा बेस बढ़ा देता हूँ इसका, बेस ये रहा, मैंने इसको 4 पे कर दिया है बेस को, ठीक है।
एक बार इनसेन वाला गाना चला के देखते हैं थोड़ा सा। तो गाइज अब एड खत्म होने वाली है और आप साउंड सुनना ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इसको। ये जो चीज आपने देखी ना यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में करने के बाद बेस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जीरो पे करते हो तो जो नेचुरल सॉन्ग में है वो आता है, और अगर यहां से 1 2 3 5 तक कर देते हो तो भाई इसने तो गर्दा ढा दिया, मतलब कि धुम धुम करके पूरा हिला दिया है सच में भाई। बेस तो इसने जबरदस्त दे दिया यार, मैंने गाना भी काफी लंबा चला दिया। अब पता नहीं कॉपीराइट क्लेम ना जाए, अगर क्लेम आता है तो मैं उसको थोड़ा ट्रिम कर दूंगा या म्यूट कर दूंगा, तो ये मत सोचना कि यार आपने गाना चेंज कर दिया, वो कॉपीराइट क्लेम के ऊपर है। बाकी भाई नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, साउंड बहुत अच्छी क्लियर है, एकदम क्लियर भाई। ये मत सोचना कि सोनी और JBL ही लेंगे तो ज़बरदस्त है, लेकिन वो सिर्फ साउंड के लिए है, उसमें आपका माइक और ये सब कनेक्ट करने में इशू आता है। इसमें आप 4 माइक कनेक्ट कर सकते हो, 2 ब्लूटूथ वाले और 2 ब्लूटूथ वाले जो चैनल वाले हैं इसके लाइन वाले वो हैं, ब्लूटूथ वाले नहीं हैं, 2 चैनल वाले वायरलेस माइक और 2 इसमें वायर्ड वाले लगा सकते हो आप। यहाँ से माइक 1 माइक 2 प्रायोरिटी यहाँ से ऑन कर सकते हो इनको, अगर आपको देनी है तो जब मर्जी लगा के जब मर्जी इनको ऑफ कर सकते हो इनके चैनल को वायर्ड वाले को ठीक है। तो 2 लाइन वाले हो गए, 2 ही हो गए, यानी कि 4 माइक हो गए। एक टाइम पर 4 लोगों को अगर परफॉर्मेंस देनी है, 4 लोगों को बात करनी है तो एक साथ वो बात कर सकते हैं स्टेज पर जाकर ठीक है। यहाँ से ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी हम बैटरी ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और गाइज इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर आप पीछे स्टिकर देख सकते हो, लेबलिंग देख सकते हो। आहूजा कंपनी ने यहाँ पर अपनी पूरी स्टिकर्स और गोल्डन चिप वगैरह बारकोड वगैरह लगाकर दिया हुआ है, सीरियल नंबर भी दिया हुआ है देख सकते हो यहाँ पर 000850। तो ये है पूरा आहूजा का स्पीकर जिसको आप अपने यूज़ के लिए परचेज कर सकते हो। तो गाइज अब ये मेरे को कितने का मिला है, अगर मैं आपको बिल दिखाऊँ तो मुझे ये पड़ा है 16,500 का, वैसे अमेजोन पे था लेकिन मुझे पड़ा है ये 17,000 का। 17,000 से 1 रुपया कम नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से 17,500 से 17,000 करवाया है। बट अमेजोन पे देखोगे तो 16,500 दिखाएगा, लेकिन अगर आप दूसरी कहीं किसी डीलर से देखते हो तो वहाँ पर 20,000 22,000 ऐसे ऐसे अलग अलग रेट लिखे हुए हैं, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज अमेजोन से परचेज करना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्राइस रिसेंट प्राइस क्या है वो आप रिसेंट अमेजोन से चेक कर लेना, उसको ऑर्डर कर लेना। अगर आपको प्रोडक्ट नया और अच्छा मिला है, यूज्ड नहीं है, उसके टायर वगैरह उसके प्रोडक्ट को देखकर लग रहा है कि ये यूज़ नहीं हुआ है, एकदम बढ़िया है, शाइन वगैरह सब कुछ है, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। अगर आपको कुछ डिफेक्टिव लगता है तो आप रिटर्न कर देना, उनकी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ आप लोकल स्टोर में जाकर लेना, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोकल स्टोर में जाकर ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसको वहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, सारे फीचर सारे फंक्शंस, माइक उसकी चार्जेबल कोड वगैरह हर चीज़ देख सकते हो ना, कुछ ख़राब भी आ सकता है। तो आई होप गाइज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, अगर मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप कमेंट कर देना या मेरे इस इंस्टाग्राम वाले लिंक पर मुझे क्लिक कर दीजिए, या फिर इस इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर लीजिए और कुछ भी हो मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, जितनी क्वारीज मैं रिजोल्व कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। अभी बहुत छोटा चैनल है तो मुझे लगता है कि 1,000 व्यू में से एक ही मुझे मैसेज आएगा, तो मैं उसका रिप्लाई बहुत आराम से दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है। तो गाइस चलते हैं आगे, ऐसी और भी ज़्यादा वीडियोस आपको मिलती रहेगी, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिल गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।